वहां पर एक मुस्लिम लेडी, सुनना ध्यान से, मुस्लिम लेडी जो बीजेपी को सपोर्ट किया उसने क्योंकि उसे अच्छा लगा काम, उसे कर कर मारा है। जो तुम बोलते हो कि भाई हम अंबेडकरवादी हैं, हमारा संविधान चलेगा, वहां पे संविधान कहां चला गया? वहां तो संविधान की हत्या हो गई, तालिबानियों वाला रूल चला रहे हैं वहां पर। ये क्या सही है? आप लोगों ने वोट देके बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे लोगों को ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री राम। अब तो भैया ओपनली हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ऐसा बदनाम किया जा रहा है इन राहुल गांधी जी का, जी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे आदमी को क्या बोले, कैसे बदनाम कर रहे हैं। पहले तो इनकी टिप्पणी सुनो आपने, इन्होंने क्या कहा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। साफ ओपनली इन्होंने कहा है कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू मानता है वो हिंसा करता है, नफरत फैलाता है और झूठ बोलता है। अब इसके आगे पीछे ये गुली चौपड़ी बातें कितनी भी कर ले, इनके मन में कितनी हेट है, देखो हमने तो प्रूफ लेके पहले ही बहुत जागरूक किया है लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब ये बाकायदा इनका वीडियो है जबकि इनकी 99 ही सीट आई है, इनकी टोटल मिला के पूरे इंडिया गठबंधन की 232 है, उसके बावजूद इनके ये हाल है। सोचो अगर इनकी सरकार आ जाए तो ये जीने देंगे क्या? हिंदू का जो कल्चर है हमारे इस देश का, उसका नामो निशान मिटा देंगे? ऐसे बेवकूफों भरी तो ये बातें करते हैं। मैं सभी आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मोदी जी से जब ओम बिरला जी मिले जो स्पीकर हैं, वो ऐसे झुककर मिले, उनको रेस्पेक्ट किया और मुझे नहीं किया। देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड देयर इज मिस्टर ओम बिरला। व्हेन मोदी जी वेंट एंड शुक योर हैंड एंड आई वेंट एंड शुक योर हैंड, आई नोटिस समथिंग। व्हेन आई शुक योर हैंड यू स्टूड स्ट्रेट लाइक दिस एंड शुक माय हैंड, and when Modi ji shook your hand you bowed down and shook his hand। ये मुद्दा है इनका, देश लोगों के देश पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, इन लोगों के ऐसे मुद्दे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। वो इंसान जो सामने, जिसके सामने झुककर प्रणाम किए हैं, वो तीन बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के और एजेड हैं, तो उनको रेस्पेक्ट करना तुम उनके मुकाबले कभी नहीं कर पाओगे, एज में तुम छोटे भी हो, समझे। और तुम लोगों से जो इनको सपोर्ट करते हैं उनसे मेरा सवाल है, इनके पार्टी के लोग हैं वहाँ पे टीएमसी जो अपने बंगाल में, वहाँ पर एक मुस्लिम लेडी, सुनना ध्यान से, मुस्लिम लेडी जो बीजेपी को सपोर्ट किया उसने क्योंकि उसे अच्छा लगा काम, उसे कर कर मारा है कर कर। और दो या चार दिन पहले की ये वीडियो है, मैं ब्लर कर रहा हूं, आप देखो ध्यान से इसको किस तरीके से मारा जा रहा है। ये टीएमसी के लोग हैं, वैसे इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनकी हिम्मत देखो, इनकी औकात देखो, एक लेडी को बेचारी, लेडी को कैसे मारा जा रहा है। बोलते हैं कि, और इनके नेता बोलते हैं कि हमारे कल्चर में, मतलब हमारे इसमें ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर संविधान कहाँ गया? जो तुम बोलते हो कि भाई हम अंबेडकरवादी हैं, हमारा संविधान चलेगा, वहाँ पे संविधान कहाँ चला गया? वहाँ तो संविधान की हत्या हो गई, तालिबानियों वाला रूल चला रहे हैं वहाँ पर। ये क्या सही है? आप लोगों ने वोट देके बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे लोगों को ध्यान रखना। आप खुद बताइए कि अगर आपकी बहन बेटी हो वहाँ पे और उसने अगर सपोर्ट कर दिया, कोई चीज़ अच्छी लगी है सपोर्ट कर दिया हो, अगर आपकी बहन बेटी के साथ में हो जो ये चमचे और जो अंबेडकरवादी बनते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बहन बेटी के साथ में ऐसा हो तब भी क्या आप इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उसके लिए तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे वो जर्मन शेफर्ड वाले, वो जो दो पैर वाला कुत्ता है, और जो दिल्ली की तीन चार लड़कियाँ हैं, ये इनके लिए कभी वीडियो नहीं बनाएंगी। ये बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में, अभी तो इनकी सरकार बनी नहीं है, मान लो ये सरकार बन जाए तो क्या हाल होगा वहाँ पे? ये देखो इनकी गुंडागर्दी देखो, 99 सीट सारी आई है, और इनकी हिम्मत देखो तुम, मतलब पार्लियामेंट में आज तक कभी बीजेपी सरकार, इन मोदी सरकार ने कभी ऐसा हंगामा नहीं किया, देखो कैसे उकसा रहा है ये लोगों को और खुद पीछे खड़ा है। सोचो आने वाला टाइम कैसा होगा अगर इनकी सरकार बन जाती है, हमारा पूरा कल्चर खत्म कर देंगे ये लोग, देखो कैसी गुंडागर्दी, ध्यान से देखो। लेकिन अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, जो लोग, जितने लोग देख रहे हैं ना,
आप अपना थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें खदेड़ना है इस देश से, ध्यान रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें कि आपको आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, आप कमेंट ज़रूर करें।